हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। दरभंगा में भी तेजी से बढ़ रहा है साइबर क्राइम। पुलिस भले ही जितने दावे कर ले इसे रोकने या फिर घटना के घटित होने के बाद मामले को सुलझाने के, लेकिन तादाद बढ़ती जा रही है ऐसी शिकायतों की। सुभाष चौक दरभंगा टावर के निकट के रहने वाले गोपाल कुमार शर्मा ने साइबर थाने में आवेदन देकर यह शिकायत की है कि उनके व्हाट्सएप डीपी की फोटो का कोई गलत उपयोग कर रहा है। जाहिर है यह काम साइबर अपराधियों का है। श्री शर्मा के व्हाट्सएप से उनके डीपी की फोटो निकालकर उसे दूसरी जगहों पर भेजकर और उनके नाम से पैसे मांगे जा रहे हैं। बाकायदा अपने आप को मजबूर बता रहा है पैसे मांगने वाला और जल्द से जल्द पैसे भेजने की गुहार भी उनके मित्रों से लगा रहा है सोशल मीडिया पर, सोशल एप्स पर। हालांकि श्री शर्मा ने साइबर थाना दरभंगा पहुंचकर तुरंत मामले की जानकारी पुलिस को दी है। पुलिस ने जांच का आश्वासन दिया है। कितनी सफल हो पाएगी पुलिस, कब पकड़ा जाएगा यह साइबर अपराधी, यह देखना अभी बाकी है। हमारे साथ हुआ कि हमारा फोटो डीपी से निकाल करके कोई दूसरा यूज कर रहा है और वो लोगों को मैसेज कर रहा है कि मुझे पैसे की आवश्यकता है, हॉस्पिटल का फोटो को डाल करके इस तरह लोगों को भ्रमित कर रहा है। कल दोपहर में जानकारी हुई 1 बजे के आसपास, उसके बाद हमने साइबर थाना जाके कंप्लेन दर्ज करवाई। वहाँ से आश्वासन मिला कि आगे इस पर कार्रवाई की जाएगी। हम यही चाहते हैं कि उस पर उचित कार्रवाई हो और किसी कोई ऐसा व्यक्ति ठग नहीं पावे किसी को। अपने जानने वाले से कहेंगे कि सब सचेत रहे और कोई भी तरह की बात हो तो आप हमें कॉन्टैक्ट करें, उसके बाद ही आगे कोई काम करें।